हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल यासर अली क्लासेस। और आज हम आपके सामने मटेरियल कॉस्टिंग का पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं। जिन लोगों ने यहाँ से शुरू करेंगे वो पहले हमारी पहली वीडियो देख लें, जिसमें फर्स्ट क्लास में हमने कवर किया है अपना इंट्रोडक्शन। उस इंट्रोडक्शन में हमने बताया है कि EOQ कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे हमने उसका फॉर्मूला समझा था कि वो फॉर्मूला कहाँ से बनता है। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं आज की क्लास की, व्हाट इज़ EOQ। EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक का मतलब चीपेस्ट, ऑर्डर का मतलब कितना क्वांटिटी का ऑर्डर देना है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कि एक बार में आपको कितने क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करना है जहां पर आपकी कॉस्ट मिनिमम हो जाए, जिस पर आपकी कॉस्ट क्या हो जाए, मिनिमम। तो जहां पर आपकी कॉस्ट मिनिमम आ जाती है उस पॉइंट को आपके बोलते हो EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो यहां स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है एसपी जेन बुक है हमारे पास। उस एसपी जेन का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का, यूनिट 2, पेज नंबर 2.39 पर क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एनुअल कंजम्पशन है हमारा कितना, 1600 यूनिट्स का, और कॉस्ट ऑफ मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, ₹50। कैरिंग कॉस्ट है हमारी 10% ऑफ इन्वेंट्री, और जो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज ₹50। तो यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है और हमसे क्या पूछा है, कैलकुलेट EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बताइए। तो स्टूडेंट्स, EOQ का हमने प्रीवियस वीडियो में फॉर्मूला देखा था कि EOQ का फॉर्मूला क्या बनता है। तो हमने देखा था अंडर रूट टू ए ओ अपॉन सी। ओके, तो व्हाट इज ए, अब देखिए एनुअल कंजम्पशन, ये एनुअल कंजम्पशन हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल की कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, ये क्या हो गया, ओ हो गया। अगर जब भी आपको एनुअल कैरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, इंटरेस्ट, कोई भी चीज़ अगर आपको परसेंटेज में दे रखी है तो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, आपके कॉस्ट ऑफ मटेरियल के, मटेरियल की कॉस्ट। एक मटेरियल की कॉस्ट है ₹40 और उसको कैरी करने में, उसको हैंडल करने में कितनी कॉस्ट आ रही है, 10% की। तो ₹40 का 10% कितना हो गया, 4। तो ये हमारी कौन सी कॉस्ट हो गई, कैरिंग कॉस्ट। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, 2 फॉर्मूले में अंडर रूट लगाया, 2 फॉर्मूले में 2 ए ओ अपॉन सी, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया था। अब यहाँ पर 2A, तो ए की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम, 1600 यूनिट्स हमने पुट कर दी वैल्यू। ओके, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 50 अपॉन कैरिंग कॉस्ट, 10% कितना हो गया, 4। ये यहाँ कैंसिल कर दिया, ये यहाँ कैंसिल कर दिया, 8 5 40, 40,000। अब 40,000 पे अंडर रूट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 200 यूनिट्स। कि अगर हम 200 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करें, अगर हम 200 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वहाँ पर हमारी कॉस्ट क्या आएगी, सबसे कम आएगी। तो जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्रीवियस वीडियो देख लें, वहाँ पर हमारी कॉस्ट कैसे कमाएगी वो चीज़ें हमने बताई हैं। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, मतलब जहाँ पर आपकी कैरिंग कॉस्ट और आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों क्या आएंगी, इक्वल आएंगी, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, EOQ। तो हमने यहाँ देखा EOQ कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आ रही है हमारी वीडियोस तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें अगर आपको पसंद आ रही है, और अपने दोस्तों में ज़रूर बताएं। और ये स्पेशली हमने जो क्लासेस बना रहे हैं ये BCom के लिए हैं, जो BCom थर्ड सेमेस्टर या सेकंड ईयर में हैं, या फिर जो CA CMA कर रहे हैं उनके हैं मटेरियल चैप्टर है। तो पूरा होल मटेरियल चैप्टर हम अपनी क्लासेस में कवर करेंगे और बहुत शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, 5 से 7 या 10 मिनट की, जहां एक दो क्वेश्चन हम उन वीडियोज़ में करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।